आज हम जो बनाने जा रहे हैं किसी फ्रेंड के फरमाइश पे चने दाल की पूरी। चने दाल की पूरी बनाने के लिए हमें चने के दाल को 3 से 4 घंटे के लिए भिगो कर रखना पड़ेगा और उसके बाद इसका पानी निकाल कर हमें कुकर में डालना है। इसको गलाने के लिए हमें ज़्यादा पानी का इस्तेमाल नहीं करना है क्योंकि इसको बाद में हमें सुखाना है और उसको पूरियों में स्टफ करना है। इसमें डालेंगे चुटकी भर हल्दी, थोड़ा सा नमक, हमें ज़्यादा पानी इस्तेमाल नहीं करना है, थोड़ा ही डालना है। देख सकते हैं चने का दाल कम से कम 4 से 6 सीटी तक हमें पकाना है ताकि ये अच्छी तरह से गल जाए। इसे हम ये छोड़ देंगे, कम से कम 5 से 6 सीटी तैयार करने के लिए कच्ची कैरी ले लेंगे। आप बाज़ार से कोई भी खट्टी कैरी ले सकते हैं, उसके 2-4 टुकड़े हमने ले लिए हैं और यहाँ पर मिर्ची ले लिया है, अदरक काट कर ले लिया है, लहसुन ले लिया है 4-5 ली और धनिया ले लिया। अब हम इसको पीस लेंगे थोड़ा सा पानी डाल के। हमें ज़्यादा पानी नहीं डालना है क्योंकि ये थोड़े से पानी में बनाना है, तो इतना ध्यान रखें नहीं तो ये लिक्विड ही हो जाएगा तो अपना दाल पूरा वाटरी हो जाएगा तो हमको स्टफिंग के लिए प्रॉब्लम हो जाएगी। हमारा मसाला हमने ग्राइंड कर लिया है। 2 स्पून तेल ले लेंगे, कोई भी ऑयल आप यूज़ कर सकते हैं। इसमें थोड़ा सा जीरा डाल देंगे, थोड़ा सा हींग डाल देंगे और जो मसाला हमने पीस के रखा है वो डाल देंगे। धीरे से थोड़ा सा मीडियम तेज आंच पे हम अच्छी तरह से उसे भून लेंगे। इसमें थोड़ा सा धनिया पाउडर, थोड़ा सा हल्दी, नमक थोड़ा सा डालेंगे क्योंकि हमने ऑलरेडी आटे में भी नमक डाला है और दाल उबाल के भी नमक डाला, फिर ज़्यादा नमक नहीं डालेंगे। आप अपने स्वाद अनुसार नमक डाल सकते हैं। इसको अच्छी तरह से भून लेंगे। हम थोड़ी सी कसूरी मेथी डालेंगे, इसे अच्छी तरह से स्मैश कर लेंगे। तब तक भूनेंगे जब तक इसका ऑयल ना आ जाए ऊपर। आप देख सकते हैं मसाला जैसे सूख गया है और तेल मसालों ने तेल भी छोड़ दिया है, ये देखिए। अब हम इसमें अपना चना जो हमने उबाला है वो हम डाल देंगे धीरे धीरे। गैस को बंद कर देंगे। अब इसको अच्छी तरह से मिलाकर इसको मिक्स कर देना है। मिक्स करने के बाद इसको थोड़ी देर पकाएंगे। पकाने के बाद मसालों का और चने का पानी जैसे ही सूख जाए इसे हम बंद कर देंगे और ठंडा होने देंगे। आपको लगे कहीं पर चना थोड़ा कड़क हो तो उसे स्मैश कर दे या किसी चम्मच के सहायता से उसे दबा कर स्मैश कर दे। देख सकते हैं किस तरह से मिल गया है। आप एक बार इसका मसाला थोड़ा सा टेस्ट करके भी देख सकते हैं, नमक प्रॉपर है। अगर नमक कम लगे आपको तो और डाल सकते हैं क्योंकि और टेन ऑलरेडी हमने नमक डाला है तो इसकी ज़रूरत नहीं है। रेडी हो गया, इसमें 2-3 दालें थोड़ी बहुत ऐसे खड़ी खड़ी हैं तो उसे ऐसे ही रहने देना है क्योंकि जब ये स्टफिंग करेंगे तो थोड़ा सा दाल दिखना चाहिए कि हमने दाल वाली पूरियाँ बनाई हैं। अब इसे हम ठंडा होने देंगे। ठंडा होने के बाद ये और ड्राई हो जाएगी तो स्टफिंग के लिए थोड़ा इजी पड़ जाएगा। कढ़ाई के लिए कढ़ाई में हमने ऑयल डाल दिया है पूरियाँ तलने के लिए। ब्राउन करके इसमें हमने चना जो मसाला तैयार किया है उसे अच्छी तरह से भर लेंगे। इस तरीके से बंद करते हुए इसे हम कचौरी भी बोल सकते हैं और चने की दाल की पूरियां भी करके इस तरीके से स्टफिंग करके हमने इसे भर लिया है। हमें छोटा छोटा ही रखना है इसलिए अगर आप चाहें तो बेले वरना ना बेले। इसे इस तरह से गोल गोल पूरी जितना बना ले, ऐसे ही 2-3 बना कर रख ले और इसे एक साथ फ्राई करें। उस पर जो एक्सेस आटा है उसे निकाल देना, नहीं तो ऐसे धीरे धीरे प्रेस करना ताकि ये फटे ना।
अगर आपको बेलना भी नहीं है तो आप इस तरीके से इसको दबाकर बड़ा कर सकते हैं, लेकिन अगर आप बेलना है तो हल्का आपको बेलिए इस तरीके से पूरियों के शेप में, इस तरीके से पूरियों के शेप में। देख सकते हैं एक्सेस आटा इसमें से निकाल दे। तेल गर्म होते ही इसमें पूरियाँ डालें। अगर आप इसका मसाला तैयार करते वक्त अगर आप चाहें, आपके पास मैंगो नहीं है तो आप अमचूर पाउडर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं या तो नींबू का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। को थोड़ा कम कर देना है। अभी अच्छी तरह से अंदर तक पहुँचे, इस तरीके से पूरी भून गई है। अभी इसे लाल होने तक थोड़ा सा अंदर ही पकाएंगे। यहाँ मैं आपको अपनी पूरियाँ तोड़ कर दिखाती हूँ। देख सकते हैं बहुत ही गर्म है। ये देखिए इस तरीके से, ये बहुत ही टेस्टी लगता है। आप दही या कोई भी वेजिटेबल सब्जी से खा सकते हैं। आप देख सकते हैं हमारी पूरियाँ रेडी हैं। आप इसे दही के साथ या कोई भी ग्रेवी वाली सब्जी के साथ खा सकते हैं। हम लोग तो इसे चाय के साथ खाना पसंद करते हैं और खीर के साथ। देखिए किस तरीके से भरा हुआ है। यम्मी, वेरी टेस्टी। तो प्लीज़ मेरा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें, और प्लीज़ फॉरवर्ड कीजिए। प्लीज़ 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 फॉरवर्ड माई वीडियो।